हेयर सेवन में आपका स्वागत है। और जो मैंने सूट सिला था उसका जो कपड़ा बचा है उसका देखो मैं क्या यूज करती हूँ। एक बहुत ही छोटी सी छोटे से बच्चे की शेरवानी बनाएंगे इसमें, जिसका मैंने नाप रखा है 8 इंच तीरा, लंबाई रखी है 12 इंच मानी है, मतलब ये क्योंकि उसमें उतना ही निकल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं निकल सकता है। छाती मानी है 18 इंच और आस्तीन लंबाई ली है 8 इंच के करीब लेंगे। 8 इंच ही बच्चे की बहुत हो जाती है, तो 7 इंच कपड़ा तो हमारा ये बच रहा है और 8 इंच बॉर्डर का जो कपड़ा बचा हुआ है 8 इंच उसको लगा के पूरा कर देंगे हम। तो ये 2 इंच की मैंने, ये देखो 2 इंच के करीब की मैंने 1.25 की पट्टी मोड़ ली है ये, और 1/2 इंच आगे छोड़ दिया है, ये निशान मैंने लगा लिया इसलिए बता रही हूँ मैं। 1/2 इंच छोड़ने के बाद यहाँ से लिया है तीरा, तीरे का 1/2 इंच, 4 इंच पे हमने निशान लगा लिया, बच्चे में प्लस नहीं करूँगी। और ये लिया है मुड्ढा लंबाई, अब मुड्ढा लंबाई रखी है हमने छाती का 1/4 माइनस 1/2 इंच, ये हो गई हमारी मुड्ढा लंबाई। और इधर से छाती कितनी रखेंगे, छाती का 1/4 प्लस 1.5 इंच, तो 6.5 ये हमने यहाँ रख लिया, 6.5 तक ये ले लिया है। अब इस मुड्ढे को यहाँ से, पहले मैंने 7 रखा था मुड्ढा लेकिन मुझे छोटा लगा, तो 8 भी रख दोगे थोड़ा लटकेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसकी बैक की कटिंग और ये फ्रंट की कटिंग देंगे ऐसे इसकी, और ये 1/2 इंच से भी कम इसको देंगे ढलान। और जो बीच होगा 2 इंच छोड़ के नीचे से, जितना बीच आएगा इसका 6.5 इंच आए तो 3.25 पे हम निशान लगा लेंगे, बहुत हल्का सा शेप देंगे इसका ऐसे, ये इसको। ये हो गया हमारा शेरवानी का ड्राफ्ट, इसकी कटिंग करती हूँ मैं। अभी सबसे पहले ये सीधा निशान लगाऊंगी, जो फालतू कपड़ा होगा वो कट जाएगा। इसमें अस्तर भी नहीं लगाऊंगी, बिना अस्तर की बनाऊंगी मैं ये। इसको काट लेते हैं, देखिए पूरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ इसको ऐसे काट लेते हैं, यहां से सीधा जाएगा और ये शेप जाएगा यहां से, और ये आगे की कटिंग कर देंगे इसमें। और ये शेप दे देंगे कंधे के ढलान का। और गला, जो गला लिया है मैंने इसका, सॉरी बताया नहीं मैंने, गला जो चौड़ाई ली है 1/2 इंच छोड़कर, जो पट्टी हमने मोड़ी है उसका ये 1/2 इंच छोड़कर यहां से लिया है ये इतना, छाती का 12वां हिस्सा, छाती का 12वां हो गया हमारा 1.5 इंच, और लंबाई में लिया है छाती का 12वां प्लस 1/2 इंच, तो नीचे लंबाई में हो गया 2 इंच और चौड़ाई में हो गया 1.5 इंच। इसकी बहुत हल्की सी गोलाई करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। ये हमारा फ्रंट का भाग हो गया कट के तैयार। अब लेते हैं बैक का भाग, बैक का भाग और पजामा हमारा आएगा इस कपड़े में, सलवार का जो कपड़ा था उसमें आएगा बैक का भाग। बैक के भाग की चौड़ाई ले ली है हमने छाती का 1/4 प्लस 1.5 इंच, तो 6.5 इंच पे निशान लगा लिया है हमने, 6.5 इंच मोड़ लिया ये डबल तय में। अब क्या करेंगे इसका, 1 इंच ऊपर से ज्यादा रखेंगे, ठीक है 1 इंच ऊपर से ज्यादा रखते हैं, ये 1 इंच ऊपर ज्यादा रख दिया। और गला चौड़ाई लेंगे इसकी, यहां से लेंगे 1.5 इंच, यहां से लेंगे गला चौड़ाई 1.5 इंच, और लंबाई में लेंगे 1/4 इंच, ये ऐसे एक बॉक्स बनाया और इसकी गोलाई ऐसे दे दी हमने। यहां से हमारे कंधे जाएंगे, इसमें क्या करना है, अब 1 इंच ऊपर निकाल के इसको ये रख लेते हैं, और ये 1/2 इंच हमारा ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा कपड़ा, ये देखिए ये कपड़ा बाहर निकल गया है 1/2 इंच,
आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो अपने आप बाहर आ गया है, और ये 1 इंच कंधे में ऊपर अलग जाएगा। ये यू निशान लगा के और यू लगा दो और इसकी गोलाई दे दो ऐसे बाहर की तरफ। नीचे की लंबाई हमारी बराबर रहेगी दोनों पार्टों के, ऊपर से बढ़ेगा ये। और इधर दे देते हैं वही 1/4 इंच का शेप। अब इसको भी कट कर लेते हैं हम। ये कट कर लेते हैं यहां से, सॉरी। ये मुड्ढा कटते थे मुड्ढा लंबाई, ये जाएगा इतना लंबा रहेगा इसे। ये गले तक शेप ले आते हैं इसका, और ये गला कट कर देते हैं यहां से। ये हो गया हमारा बैक का पार्ट, दोनों पार्ट कट कर हो गए हैं तैयार। अब लेते हैं बाएं, बाहों की चौड़ाई दी हमने 4.5। ये इसको 2.25 पे निशान लगा देंगे, 2.25 का निशान लगा के ये इसको ऐसे ले आएंगे। और ये बैक की कटिंग और ये फ्रंट की कटिंग आस्तीन की। हम लेते हैं यहां से अब जितना भी बचेगा हमारा उतना लेते हैं, और इसकी रखते हैं 4 इंच गोलाई, और ये ऐसे कर देते हैं क्योंकि नीचे पट्टी जाएगी हमारी। ये देखिए ये कपड़ा कटा हुआ भी निकल जाएगा इसमें। ये बिल्कुल जो कपड़ा कटा हुआ है यहां से ये भी निकल जाएगा कटिंग में। थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेना चाहिए, जिसको सिलाई आती है वो कर लेता है। इसकी ये कटिंग करी सीधी, और ये और अब फ्रंट की कटिंग दे देते हैं इसमें। ये छोटी सी शेरवानी इमेजिन करके देखो बच्चे के ऊपर कितनी सुंदर लगेगी। ये हो गया हमारा बाहें। अब लेते हैं पजामा। पजामा भी हमने 18 सीट का लिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आधा इंच कपड़ा फालतू आ रहा था, मैंने पूरा ही रख लिया है। इस कपड़े की चौड़ाई कैसे लेते हैं पजामे की, सीट का 3+ सीट का 12, मतलब सीट का 3 हो गया हमारा 6 इंच, 6 में + 12 जोड़ोगे 1.5 इंच तो हो गया 7.5 इंच, 7.5 ही बैठेगा ये। हाँ ये देखो 7.5 के करीब ही बैठा है ये, बिल्कुल यहां तक लेंगे तो 7.5 ही बैठेगा ये, 7.5 है ये, ठीक है। ये सीट का 3+ सीट का 12 चौड़ाई लेंगे। अब लेते हैं ऊपर से सीट का 6 इंच पे हम निशान लगा देंगे। मोहरी लेते हैं सबसे पहले, सॉरी मोहरी लेते हैं 3 इंच, 3.5 इंच मोहरी रह जाएगी हमारी, आधा इंच सिलाई में जाएगा, ये ले लेते हैं यहां से। और ऊपर से लेते हैं आसन लंबाई कितनी, सीट का 3+3 इंच, तो ये बड़ों में लेते हैं हम लेंगे इसकी 8 इंच के करीब लेंगे, क्योंकि बच्चा डायपर पहनेगा तो डायपर पहनने वाले बच्चों का थोड़ी सी लंबी ले लेते हैं। और इसको इस निशान तक आधे तक सीधा लाके और फिर ये शेप ऐसे दे देते हैं, ये हमारा पजामा हो जाएगा। और इसमें ये गोलाई ना देके सीधा 1 इंच का मोड़ने का छोड़कर ये तिरछा निशान लगा देंगे। ये देखिए आसन लंबाई इसकी ज्यादा लग रही होगी आपको, आसन लंबाई ज्यादा क्यों रखी है कि बच्चा डायपर पहनता है। इसको भी कटिंग कर देते हैं हम।
ये हमारा पजामा कट कर तैयार हो गया है। इन दोनों पार्टों कर लेंगे अलग अलग हम। इसमें लगाते हैं उल्टे निशान, जो हमारा उल्टा है ये। अब ये हमारा पजामा भी कट गया है, शेरवानी भी कट गई है, और अब बची है इसकी कॉलर। कॉलर बनेगी सिलाई के बाद। ये पट्टी हमने लगा ली है, बाहों में लगाने के लिए ले ली है ये पट्टी, और ये बाहों में थोड़ी सी कम पड़ेगी लेकिन चलेगा ये, क्योंकि सिलाई में चला जाएगा कपड़ा हमारा। इसकी सिलाई दिखाऊंगी अगली वीडियो में, और मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, आई बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।